This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum nazreen. Karachi markaz se main hu aapka mezban Khalil Ahmed. Aap dekh rahe hain program Aap aur Karobaar. Pakistan mein banking sector ko leke kafi zyada baat cheet hoti rehti hai ki ji banks प्राइवेट सेक्टर को पैसे एज सच इतने दिलचस्पी से नहीं दे रहे जिस दिलचस्पी से देने चाहिए. अब ये बातें कौन करता है, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज बात करते हैं. वो ये कहते हैं कि बैंक्स की तरफ से एक्चुअली वर्किंग कैपिटल के लिए तो बड़ा इजी हमें पैसे मिल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जब बात करते हैं तो थोड़ी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. अब इसमें कितनी हकीकत है और बैंकिंग के हवाले से अगर हम देखें तो इस कैलेंडर ईयर में, इस बैंकिंग ईयर में पहले तीन महीने की अगर हम रिज़ल्ट देखें तो बैंक्स के प्रॉफिट 48 बिलियन रुपीज़ के हैं, 48 अरब रुपए के हैं. बैंक्स का किरदार कितना ज़्यादा अहम होता है किसी भी इकॉनमी में, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आंसर हम सबको करना है. कि अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर के बढ़ावे के हवाले से बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करें, फाइनेंसिंग फैसिलिटी के हवाले से बात करें, एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस करने के हवाले से बात करें, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करें, तो इसमें बैंक्स का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है. ओवरऑल बात करेंगे कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है और मज़ीद क्या ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए जिसके ज़रिए हम अपनी इकॉनमी में बेहतरी देख पाएंगे. इसी वाले साइड में इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है अमन लबशर साहब ने, सीनियर इकॉनमिस्ट. अमन साहब प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं. वालेकुम सलाम अमन साहब. बैंकिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बाय लार्ज तो ये कहा जाता है कि जी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. आपका पैसा अगर बैंक में है तो Safe. आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएं, डूबेगा नहीं. और बैंक्स की अगर हम बात करें फेल्यूर्स की तो दुनिया भर में तो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स, लीमन ब्रदर्स एक बहुत बड़ी एंटिटी, 400 साल की हिस्ट्री, एकदम से पता चलता है कि जी वो बैंक अब इस दुनिया से कूच कर चुका है. सही. इसके अलावा देखें तो काफ़ी बैंक्स यूके की बात कर लें, अमेरिका की बात करें, हस्ती से मिट गए. कुछ ऐसे बैंक्स की बात करें जो दो टुकड़ों में हो गए, कुछ ऐसे बैंक्स की बात करें जिनको अक्वायर किया गया या किसी के साथ मर्जर कर लिया. पाकिस्तान में ऐसा सच अगर हम देखें तो मसाइल तो नज़र नहीं आते बैंकिंग सिस्टम में, क्या कहेंगे? हाँ, इसमें खलील साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग. माजरत के साथ इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अभी शाह साहब ने, सीनियर इकॉनमिस्ट, उनसे बात करेंगे. शाह साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आप. जी जनाब. शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है. अभी शाह साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है. जी शाह साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के हवाले से क्या तासरात हैं आपके? पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा कारकर्दगी दिखा रहा था 2008 तक. उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के अगस्त 2008 के बाद से पाकिस्तान के बैंकों में भी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इम्पैक्ट आया. लेकिन आज के जो दौर में अगर आप बात करें कि क्या सूरत हाल है, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैंकिंग सेक्टर रिस्क को मैनेज करने के लिए तैयार नजर नहीं आता है. उसकी इंडिकेशन ये है कि एसएमई सेक्टर को क्रेडिट कम हो गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर को क्रेडिट मिल रहा है, और सबसे ज्यादा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट से कहीं ज्यादा पैसा गवर्नमेंट पेपर में इन्वेस्ट करने में लगा रहे हैं. और इसका एक सिंगल इंडिकेटर आप ये देख लीजिए, इस वक्त एक्सपोर्ट सेक्टर को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ये है कि उनके जो रिफंड क्लेम्स हैं वो तो गवर्नमेंट पे नहीं कर रही है क्योंकि फिस्कल प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने भी उन एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट देना बंद कर दिया है. आपको पता है कि आजकल के कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को सामान एक्सपोर्ट करने के लिए, ग्राहक ढूंढने के लिए बेहतर से बेहतर टर्म्स देने पड़ते हैं, जिसमें 90 दिन का, 120 दिन का, 160 दिन का क्रेडिट ऑफर करना है. इसका मतलब ये है कि 90 दिन से लेके 6 महीने तक
आप अपनी कंपनी को चलाने के लिए आपको क्रेडिट चाहिए होता है, क्योंकि आपका पैसा मालो अस्ताब की शक्ल में एक्सपोर्ट हो चुका है, उसके आने में देर लगेगी। लेकिन अगर वो क्रेडिट नहीं मिलेगा तो एक्सपोर्ट सेक्टर की जो एंटिटीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएंगी। आपने कल पढ़ा होगा कि एक्टमा पंजाब के चेयरमैन ने क्या कहा है, 70 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 100 मजीद बंद होने वाली है। तो आप और आप बैंकों की बैलेंस शीट भी देख लीजिए, उसमें सबसे बड़ा हदफ क्या है एसेट साइड पे, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट उसके नीचे आता है। ये बिल्कुल रिवर्सल हो होना ये चाहिए था कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट सबसे बड़ा चंक होना चाहिए था एसेट साइड पे, लेकिन अब वो सबसे बड़ा चंक नहीं रहा है। और उसकी वजह क्या है, चूंकि सियासी सूरत हाल ने बहुत सी अनसर्टनिटीज क्रिएट कर दी हैं, और जो सरकारी इदारे हैं रेगुलेटर्स वो इतने कंफ्यूज नजर आते हैं कि मार्केट रिस्क बैंकों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके नतीजे में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कर्जा देना बंद कर दिया है। हालांकि ये जो बात कर रहे हैं आप शाह साहब, रिस्क की बात करें कि बैंक्स को लगता है कि ज़्यादा रिस्क है इन्वॉल्व अगर वो प्राइवेट सेक्टर को पैसे देते हैं, इससे तो जाहिर होता है कि प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ऑफ टेक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। कम हो गई है, आपने देखा है ना कि क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट कितना कम हो चुका है। जी जी जी, इससे बड़ी और मतलब क्या आसानी आप देखेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि एसेट साइड में अब सबसे बड़ा एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट नहीं है। आई अंडरस्टैंड। अब ये जो डिपॉजिट, अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें, इस वक्त जो फिगर है मेरे पास, ये हम 10 ट्रिलियन रुपीज़ तक की बात करते रहे, इस वक्त 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये जो पैसा है ये अब 70% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट पेपर्स में इन्वेस्ट होता रहा, और ख़ासतौर पर फिर हम अक्सर बात करते हैं कि जी 3 ईयर PIB रेडी फॉर सेल कैटेगरी में, ताकि लिक्विडिटी के मसाइल भी ना हो बैंकिंग सेक्टर में। फिर आपसे ये भी गुजारिश करेंगे, इस पे भी पॉइंट ऑफ व्यू दें कि स्टेट बैंक जो इंजेक्शन करता है, चाहे अगर वो 69-70 बिलियन रुपीज़ की करता है 6% पे जितने पे भी, तो इस इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं स्टेट बैंक के? देखिए, स्टेट बैंक ने तो अब इंजेक्शन करना कम कर दिया है, क्योंकि IMF का प्रेशर था कि आप अपना लिक्विडिटी इंजेक्शन कम करें, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो उसको डाइवर्ट करें टुवर्ड्स गवर्नमेंट, वो हो चुका है। जो चीज इसमें ज्यादा परेशान कुन है वो ये है, आपने देखा है कि इन्फ्लेशन के बारे में ये तासुर दिया गया है कि बहुत नीचे आ गई है, बिल्कुल, और उसको एक जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डिस्काउंट रेट कम किया जाए, जिसके नतीजे में बैंकों को इंटरेस्ट रेट नीचे लाने पड़े, और उन्होंने सेविंग्स पे भी रेट्स उतनी ही रफ्तार से कम कर दिए क्योंकि उनको अपना मुनाफा कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि सेविंग का अगर इंसेंटिव खत्म हो जाता है और डोमेस्टिक रिसोर्सेज क्रिएट नहीं होती हैं डेवलपमेंट के फाइनेंसिंग के लिए, तो पाकिस्तान की तरक्की किस तरह होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्सटर्नल डेट पे तो डिपेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये फरमाइएगा शाह साहब कि क्या ये जो डिस्काउंट रेट में कमी हुई जो अब 6% पे है, क्या इसकी वजह से हमारी करेंसी पे प्रेशर आया है कि वो डिप्रिशिएट हुई है? करेंसी पे प्रेशर तो फिलहाल मैनेज किया जा रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर का कहना यह है कि रुपए को मजीद डेप्रिशिएट होना चाहिए ताकि वो कंपेटिटिव रह सके। आप पता है ये डिमांड क्यों है? इसलिए कि बाकी चीजों पर तो कंपेटिटिव आप रह नहीं सकते, पावर सप्लाई मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, तो भाई किस तरीके से सस्ता किया जाए, अच्छा भाई रुपए को कमजोर कर दो। मतलब ये सब चीजें वो हैं जो आप टेम्परेरी सोल्यूशंस तो हैं लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। शाह साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने जो बात की, आपने कॉम्पिटेटिव की बात की, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? IMF की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था ना कि आपका रुपया 20% ओवर वैल्यूड है, आप समझते हैं कि इस वक्त भी हमारा रुपया ओवर वैल्यूड है? नहीं, 20% तो मेरे ख्याल से ओवर वैल्यूड जो है वो कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि 5-6% ओवर वैल्यूड है पाकिस्तानी रुपया। राइट। लेकिन ये कि वो ओवर वैल्यूड इसलिए रखा गया था कि भाई इम्पोर्ट्स आपकी ज्यादा है, अगर आप रुपए को डेप्रिशिएट होने देते हैं तो फिर इम्पोर्ट्स की कीमत रुपी टर्म्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने देखा है ना कि पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत सूरत हाल है,
कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से दुगनी है। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप डेप्रिशिएट करते हैं रुपए को मजीद तो इम्पोर्ट्स की कीमत उसी रफ्तार से बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो जो बुनियादी मसाइल है इनको हम हल नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बुक बैलेंसिंग हो रही है, जो कि वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लिहाजा वो बुक बैलेंसिंग करते हैं। शाह साहब ये फरमाइएगा कि क्या जैसे हम अभी तिजारत की बात कर रहे हैं, इस वक्त की जो फिगर है इस माली साल के पहले 10 महीने में अगर हम देखें तो हमारी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो 19 अरब डॉलर का अभी तक तो तिजारती खसारा हम देख रहे हैं इस माली साल के पहले 10 महीने में 19 अरब डॉलर। इसका मतलब कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर या कोई 21-22 तक तो लाजमी चला जाएगा। ये फरमाइए कि क्या डिस्काउंट रेट, अब जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है, डिस्काउंट रेट में अगर कमी होती है, से 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी होती है या 100 बेसिस पॉइंट्स की अगर कमी होती है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली रुपी पे आएगा, रुपी मज़ीद डिप्रिशिएट होगा और फिर इसका जो एक्चुअली एंड रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि हमारी इम्पोर्ट्स का बिल बलून हो जाएगा और ये फिस्कल डेफिसिट जो हम अक्सर बात करते हैं इस पर भी एक हमें थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ ये जो इम्पोर्ट बिल है ये शायद हमें मसाइल से दो चार कर देगा। मसाइल से दो चार तो इसलिए होगा कि इम्पोर्ट का बिल शायद इतना बड़ा मसला ना होता अगर आपकी एक्सपोर्ट उस रफ्तार से बढ़ रही होती जिस रफ्तार से होना चाहिए। आपने देखा कि पहले 3 महीने में 13% ड्रॉप हो चुकी है एक्सपोर्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर ये ड्रॉप ना होती, अगर ये स्टेबल भी रहती तो आपका जो ट्रेड अकाउंट का डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो इतना ना होता, ट्रेड डेफिसिट इतना होता जो कि अब हो जाएगा। और अफसोसनाक बात यह है कि पावर सेक्टर पे वो एम्फेसिस नहीं दी गई। आपको पता है कि तमाम इदारों ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF, सभी इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो एनर्जी सेक्टर है। क्योंकि एनर्जी सेक्टर अगर सही ऑपरेट कर रहा होता और पाकिस्तान की फैक्ट्रियां कम अज कम ब्रेक इवन लेवल पे ऑपरेट कर रही होती तो वो कंपेटिटिव प्राइसेस पे सामान प्रोड्यूस कर सकती थी। लेकिन यहाँ फोकस काहे पे है, मोटरवेज पे है और ऑरेंज रेल पे है और ब्लू रेल्स पे है और ब्लैक रेल्स पे है, उस पे इट्स नॉट। आप मुझे बताइए कि नंदीपुर, नीलम, झेलम, इन प्रोजेक्ट्स की प्रोडक्टिविटी कब शुरू होगी? और ये कहा जाता है कि 2018 में सारे मसाइल हो जाएंगे, हल तो भाई 2018 तक आप कायम रहेंगे तब की बात है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। दैट्स राइट। बहुत शुक्रिया अभी शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल वन साहब, अभी शाह साहब ने दो चार चीज़ें, एक तो एक्सपोर्ट के हवाले से, फिर रिफंड की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्टर से कहते हैं, जब हम बात करते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से तो बिज़नेस कम्युनिटी तो ये कहती है कि जी हमारे कोई 300 अरब रुपये कोई 3 साल से फंसे हुए हैं, तो लिक्विडिटी के मसाइल हैं। अब एक तरफ तो ये लिक्विडिटी के मसाइल हैं, दूसरी तरफ अगर बैंकिंग सिस्टम की तरफ से पैसा बड़ी मुश्किल से मिलेगा तो प्रॉब्लम्स अमाउंट होंगे। हाँ खलील साहब, असल में हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को पहले देखना चाहिए। जी जी। तो बजाय इसके कि स्वीपिंग हम रिमार्क्स दें, जी जी जी, तो अगर एक्सपोर्ट्स को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ नॉट पाकिस्तान ओनली कि वहाँ पे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई हैं, दूसरी ममालिक में हमसे बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, क्योंकि हमारी एक छोटी इकोनॉमी है। अब इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, एंड इवन जो सिंगापुर है, जो बड़ा टाइगर है इसमें एक्सपोर्ट्स में, वन ऑफ द ट्रेडिंग हब्स, वन ऑफ द ट्रेड, उन सब की डिक्लाइन हुई है। अच्छा, ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसके नतीजे में प्राइसेस भी कम आई हैं। तो अगर हम एक जायज़ा लें कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑलमोस्ट वही हैं, बल्कि इन सम केसेस बढ़ी हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो कम हुई है, तो उसका एक इम्पैक्ट आया है। तो इसको तो हमें इतना, मेरा ख्याल ये कि इतना हार्श नहीं देखना चाहिए, एक ओवरऑल जो सिनारियो है, जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनी है, लोग कम्पीट कर रहे हैं। इट इज़ ट्रू कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू हाई, वो जो रीज़न क्या है उसके कि ओवर टैक्सेशन है हमारे यहाँ, ओवर टैक्सेशन। आप एनर्जी को ले लीजिए, एनर्जी, या आप, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी
ये कार जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी जो टोटल कास्ट है उसका 41% टैक्सेस है। सिमिलरली जो आपका एनर्जी जनरेशन है उसमें आप देखिए कि उस पर इम्पैक्ट जो आना चाहिए था, फ्यूल ऑयल प्राइस फॉल जो हुआ है सारी दुनिया में ड्रास्टिक कट हुआ है, और हमारी एनर्जी मिक्स में जो प्राइस की जो कंसिडरेशन होती है ऑयल को मिलाकर होती है, तो उसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आया नहीं है जो आना चाहिए था। अगर हम एनर्जी की प्राइसेस को रियलिस्टिक रखते और उसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है ऑयल प्राइसेस का जो ग्लोबल है वो अगर पास ऑन करते तो शायद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो खासा इजी करता और प्राइसेस कंपटीटिव हो सकती थी। आपने जैसे बरामदात की बात की तो वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेंटली कहा कि जी पाकिस्तान की अगर बरामदात की हम कमी की जब बात करते हैं वो बेसिकली इसलिए हुई है कि चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन है जी, और नंबर टू ये है कि यूरोप में जो रिकवरी है इकोनॉमिक रिकवरी वो समवॉट वीक है जी, तो इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान की बरामदात पे आया है, हो सकता है कि अगले साल भी आ जाए जी। जी बैंकिंग सेक्टर इस हवाले से खास पे जो एक्सपोर्टर्स को हम बात करते हैं ना जी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी की बात करते हैं, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की बात करते हैं, इसमें बैंकिंग सेक्टर का किरदार कितना ज़्यादा है? देखिए बैंकिंग सेक्टर का जो किरदार है और एक्सपोर्ट्स हैं ये चोली दामन का साथ है जी। जी मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एक वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो राइस है, राइस को हम एक्सपोर्ट करते हैं और सारी दुनिया में उसकी डिमांड है और उसकी डिमांड अभी भी मौजूद है। लेकिन रिसेंटली एक वाकया हुआ कि ईरान से काफ़ी ऑर्डर्स थे लेकिन वो चूंकि बैंकिंग चैनल फैसिलिटी अभी फुली रिस्टोर नहीं हुई है, तो सैंक्शंस हट गए हैं लेकिन अभी तक, हालांकि वो सैंक्शंस भी मैं समझता हूँ कि उसका मिस इंटरप्रेट किया गया है क्योंकि जो सैंक्शंस थे वो फूड ट्रांजेक्शन पर नहीं थे, फूड की ट्रेडिंग पे नहीं थे, अदर देन फूड ऑयल वगैरह पे तो थे। अब इस पे सवाल ये है जी कि जैसे आपने चावल की बात की जी, चावल के एक्सपोर्टर्स ये कहते हैं कि जी अफ्रीकन मार्केट एक बड़ी मार्केट है जी, लेकिन बेसिकली बैंकिंग फैसिलिटी एज सच अवेलेबल नहीं है। जब हम अक्सर बातें करते हैं ना LC ओपनिंग की बहुत सारी चीज़ें, एक जो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल होना चाहिए कि जी हम यहाँ से हाँ एक चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक रिलायबल आदमी है कि पैसे भी हमारे पास आएंगे नहीं आएंगे, तो कहते हैं कि जो अफ्रीकन मार्केट है उसको हम एज सच उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। नंबर टू ईरान की अगर हम बात करें तो चावल के हवाले से जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 1.2 मिलियन टन तक की पोटेंशियल चावल के एक्सपोर्टर्स कहते हैं। फिर रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ तो हमारा एक फॉर्मल अग्रीमेंट भी साइन हुआ है ना कि कोई 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे जी जी जी। इसमें जाहिर बैंकिंग सेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करता है। हाँ तो इसमें पाकिस्तान की जो बैंकिंग सेक्टर की जो रेगुलेटर्स हैं जाहिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो बहुत एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे कहा कि सारी दुनिया में बैंकिंग इंडस्ट्री को लॉसेज हुए हैं लेकिन सिवाय पाकिस्तान के ये सेफ रहा है। इट इज़ दैट क्रेडिट गोज़ टू स्टेट बैंक कि इनकी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में। लेकिन खाली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेके बैठना नहीं है, उसको एक्टिवेट भी और प्रोएक्टिवेट भी करना है बैंकिंग को। तो ये जो जैसे इस ईरान के साथ एक्सपोर्ट था या और दीगर जो टर्की है उसके साथ हमारा बैंकिंग चैनल नहीं है लेकिन एक फैसिलिटी है कि करेंसी स्वैप है उसमें अरेंजमेंट हो जाते हैं। लेकिन ऑफिशियली देखिए रशिया के साथ और दीगर ममालिक के साथ जिनमें आप जहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको प्रायोरिटी पे बैंकिंग चैनल होना चाहिए। दूसरा ये कि देखिए जो फाइनेंस है पैसा जो है वो जो इस दुनिया में मेरा ख्याल है दी मोस्ट सेंसिटिव कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड, वो ज़रा सी यानी आप कोई गड़बड़ करेंगे उड़ जाएगा, जिसको आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। इसमें बैंकिंग का रोल भी आता है। अब देखिए कि गुज़श्ता हुकूमतों में पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा एक्यूट हो गए थे एंड दिस वाज इन द नॉलेज ऑफ द हाई अप्स कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है लेकिन वो उसको
उनके पास कोई जवाब नहीं था रोकने का। विल कंटिन्यू विद दिस फैन नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, वक्त ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजीन। अमन साहब, रेमिटेंसेस की फिगर्स देख के तो बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है कि जी इस माली साल के पहले 10 महीने में अगर 16 अरब डॉलर आ गए, तजारती खसारा आपका इस माली साल के 10 महीने में अगर 19 अरब डॉलर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया है। एक तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, उससे 6-7 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की आपकी सेविंग हो रही, दूसरा ये आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, 16 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स आ गया, और अगर ये 19-20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स आता है तो आपकी एक किस्म की फाइनेंसिंग तो हो ही गई। बैंक्स ने तो अनडाउटली एक बड़ा किरदार अदा किया है। एक वक्त था ना कि जब PRI नहीं था, 2007-08 में ये इनिशिएटिव लिया गया। इससे पहले तो हम यही बातें करते हैं जी, हवाला हुंडी और ये जो इलीगल चैनल से आ रही हैं, तो बैंक्स को क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इतनी तेज़ी, फ़ी भी काफ़ी कम हुई है अगर आप पैसा भेज रहे हैं बाहर से। काफ़ी कम भी हुई है, बल्कि वो इंसेंटिव भी देते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर कोई ज़्यादा यहाँ से रिमिट करता है तो उसको उसका एक इंसेंटिव भी देते हैं। तो बैंकों का इस मामले में तो नो डाउट के उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। और देखिए, सारी दुनिया में देखिए इस वक्त जो इंडिया जो है इज़ ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट जहाँ पे ग्लोबल रिमिटेंसेस रिसीव होती हैं, और स्टिल उनका एम्फेसिस ये है कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो पाकिस्तान इस लिहाज से उनके मुकाबले में एज ओवर रखता है कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बिलो 30 इयर्स है, यंग्स पीपल हैं। अगर आप उनको ट्रेन करें और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें तो ये फिगर और ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि भी अगर कंपेयर करें जी तो पाकिस्तान इंडिया से इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस जी जी बहुत आगे। पाकिस्तान देखिए ना, पाकिस्तान की टोटल आबादी 20 करोड़ की जी जी और उनकी 1.2 बिलियन की करीब, उनके पास जो टोटल रिमिटेंसेस आते हैं एक साल में 75 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स जी जी, और हमारे लास्ट फिस्कल में 18.5 बिलियन अमेरिकन। तो हम तो बहुत आगे हैं इंडिया से, बहुत आगे हैं, और इसको और ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं अगर इस पर फोकस किया जाए कि हम सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, ट्रेनिंग और जो ह्यूमन कैपिटल पे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन है उस पर जो फेडरल जो बजट एलोकेशन है वो 2% है, और इसी तरह प्रोवेंसेस में भी 2-3% है, और वो किस तरह कंज्यूम होती है उसका फॉलो अप नहीं है एग्जैक्ट किस तरह उसको कर। लेकिन देखिए, बलूचिस्तान ने बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की है, उनके यहाँ जो 24% मेरा ख्याल है 24 या 26% बजट एलोकेशन है ओनली फॉर एजुकेशन, बिकॉज के हमारा किसी भी मुल्क का जो इकॉनमी है, इक्तसादियात है, वो उसका जो ट्रेजर है वो ह्यूमन कैपिटल है। अगर ह्यूमन कैपिटल को आप यूटिलाइज नहीं करें और तो फिर वो उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और आपके सामने मिसालें मौजूद हैं चाइना की, जापान की, उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज किया है। मलेशिया की देख लें, मलेशिया ने तो बल्कि दूसरे ममालिक से लोगों को बुलाया। हाँ, यूएई की एग्जांपल ले लें कि दूसरे ममालिक से बुलाया और उस ह्यूमन कैपिटल को कैसे इस्तेमाल किया। तो अभी जो देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होता है कि आप ह्यूमन कैपिटल पे आपका एम्फेसिस ज़्यादा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ जो सिस्टम रहे हैं, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आप जिसे कहते हैं, उस डेमोक्रेसी ने जब से पाकिस्तान बना है आज तक हमें कोई लीडर नहीं दिया, ऐसा लीडर जो जोड़ने वाला हो। बेशुमार लीडर ऐसे दिए जो तोड़ने वाले हैं, जिन्हें सोसाइटी को सेगमेंटेशन में बदल दिया ऑन सेक्टेरियन बेसिस, ऑन पॉलिटिकल बेसिस, ऑन एथनिक बेसिस। और अभी जो ये जो यंगस्टर्स हैं, ये वेरी मुसाइट के अभी जो यंगस्टर्स हैं जी, इनको अगर हमने काम में लगाना है जी तो फिर वही एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमने जाना है ना। हम यहाँ अक्सर इस स्टूडियो में बैठ के ये बातें करते रहे जी कि देखें इंडिया में जी जी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं जी, वहाँ यंगस्टर्स को प्रमोट किया जाता है कि उनको कहा जाता है कि जी आप बैंक्स पैसा दे रहे हैं दे रहे। अब यहाँ पे अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, 200 मिलियन की पॉपुलेशन में अगर 110 मिलियन के करीब वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है कम है और फिर पढ़े लिखे जी जी, इनको अगर बैंकिंग फैसिलिटी
अवेलेबल हो। अब कोलेट्रल तो ज़ाहिर है, एक बच्चा जो MBA करके आता है, BE करके आता है, MBBS करके आता है, उन्होंने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे क्लिनिक खोलना हो या कोई एक छोटी सी एंट्री स्टार्ट करनी हो, तो ज़ाहिर उसके लिए पैसा तो चाहिए। अब कोई पॉलिसी मेकिंग इस हवाले से होनी चाहिए, ऑलरेडी है। देखिए SMEs वाले भी ये कहते हैं, SMEs भी ये कहते हैं कि जी हार्डली कोई 5-6% को तो पैसे मिल जाते हैं, बाकी को जो रिक्वायरमेंट्स हैं जी नहीं। असल में खलील साहब बात ये है कि किसी भी मुल्क की या किसी भी माशरे की जो समत है, जो डायरेक्शन है, अगर जिस डायरेक्शन अगर आपके पास है तो आप ये जो आप सजेस्ट कर रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये डायरेक्शन नहीं है, मैंने वही अर्ज़ किया था कि जो जुड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज़्यादा हैं, हर लेवल पर तोड़ा है, और कंसिडरेशन ये है कि भाई ये जो है ये हमारी कम्युनिटी में होना चाहिए, ये तो एक पॉइजनस है। ये इसको हमें टैकल करना पड़ेगा, हमें एक मुल्क बनाना पड़ेगा, हमें कम्युनिटीज़ नहीं बनानी है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप देखिए कि हर एक के ऊपर कोई ना कोई स्टैंप लगा हुआ है। आई अंडरस्टैंड, वील कंटिन्यू विद दिस। फिर नज़ीर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम के हवाले से, आपका ब्रेक का साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमन साहब, हम अक्सर ये कहते रहे हैं, बल्कि इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करते हैं सब लोग, कि जी बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, बाहर से सरमायाकारी आएगी तो ज़ाहिर है एक बेहतर सिनारी होगा इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें जो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन हुई है अभी तक सिर्फ इस माली साल में 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स, इतना तो पैसा आया नहीं है बाहर से जितना कि प्रॉफिट रिपेट्रिएशन हुई है। बैंकिंग सेक्टर में भी तो बाहर काफ़ी बैंक्स आए थे, इन द डेज टू कम आप क्या देख रहे हैं कि क्या फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान की तरफ देख रहे होंगे, इसलिए कि 200 मिलियन की पॉपुलेशन, फिर बाहर से इतनी सरमायाकारी आ रही है, यंग, और फिर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको देखते हुए तो इंटरेस्ट तो होगा। हाँ नहीं, इसमें जो पैराडाइम शिफ्ट है हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, ख़ास तौर पर ये जो CPEC का जो प्रोजेक्ट है इसको मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं, इसमें गल्फ़ और अरब, सऊदी अरब एंड ईरान और दीगर ममालिक इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक वक्त ये आया था कि फॉरेन बैंक्स जो हैं यहाँ से चले गए थे, अब भी आप फिंगर टिप्स पर देख सकते हैं कि बहुत कम है, लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि अगर हम अपने कार्ड्स को सही तरीके से अगर प्ले करते हैं तो फॉरेन बैंक्स अब फिर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, गैर मुल्की बैंक्स की बात करें तो चाइना में तो आप देखें एक भरमार है, मलेशिया में देखें आप एक भरमार, इंडिया में भरमार, इंडिया में देखें, थाईलैंड में देखें, जी जी, तो पाकिस्तान इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन गैर मुल्की बैंकों के लिए बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट जो हो रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मुझे एक बड़ा कंसर्न ये होता है पाकिस्तान के हवाले से कि जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, ये पनामा पेपर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो सब पैसा गया, क्या इसमें बैंक्स मासूम थे? क्या इसमें कोई बैंक्स का रोल था? तो जो हमारी जो एनवायरनमेंट बनी पाकिस्तान में, जो एनर्जी क्राइसिस आए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लॉ एंड ऑर्डर ये है कि हर एक को किसी को किडनैपिंग फॉर रैंसम हो रहा है, ये हो रहा है, तो अनसेफ तो लोग जा रहे थे, बहुत से जा रहे थे, तो दैट एक जस्टिफाइड था कि भाई अपने आप को बचाना है, और हाई अप्स को ये मालूम था कई लोग जा रहे हैं। अब ये जितने भी लोग, अब जैसे पनामा पेपर्स का आया है कि अभी 400 लोगों का नाम आया है, उससे पहले जो है बड़े बड़े लोगों का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम बाद में डिलीट किया लेकिन उनके बच्चों का नाम है, तो ये सारे के सारे जो ऑफशोर जो कंपनीज हैं, ये सारी दुनिया के ममालिक में होती हैं। अब इस पे एक सवाल जी, क्या पाकिस्तान के बैंक्स में भी ऑफशोर कंपनीज क्या पाकिस्तान में भी खुली हुई हैं, और क्या पाकिस्तानी बैंक्स ने भी कोई फॉर्म वॉर्म दिए हैं, या ये एक मिथ है? नहीं, देखिए, जब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे लकी सीमेंट है, उसका अफ्रीका में 2 प्रोजेक्ट हैं, तो उसकी जो फाइनेंसिंग है तो स्टेट बैंक के थ्रू हुई होगी ना, इसी तरह कॉन्गो में है, किराक में है, जी हाँ, तो इसी तरह बेशुमार जो अभी 400 जो नाम आए हैं इसमें सारे इलीगल नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा इस जो स्कैम में सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि वो पैसा गया कैसे। तो इसमें बैंक का रोल है, बैंक बताएगी कि भाई ये हमारे थ्रू गया है या नहीं गया है।
अगर ऑफिशियल चैनल से नहीं गया है तो वो इलीगल है। तो ये जो बात इसी हवाले से कि जी बैंकर्स अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स जी इन्होंने जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं इनको बड़ा फैसिलिटेट किया होगा, इज इट सो? सर्टेनली सर्टेनली, जो इसमें तो लोग इसमें इनकी इनकी कनाइवेंस के बगैर ये सब नहीं हो सकता था। लेकिन फिर अगेन आप, मैं ये कहूँगा कि आपने मुल्क में वो एनवायरनमेंट यानी क्रिएट ही नहीं कर सके कि आप पैसा, अब जैसे आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक ज़माना था जारी थी, तो उसके जिम्मेदार भी जो इकोनॉमिक मैनेजर्स थे, आपने ना अपने यानी इकोनॉमिकली सोशली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इट वाज क्वाइट नेचुरल। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इतना हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए, पहले से आप इसको स्कैनिंग तो करें कि 400 और 1000 और 500 कंपनियां, सही, ये सारी दुनिया में होती हैं, इंडिया में हमसे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों ने बाहर इन्वेस्ट किया, बट देखिए ना इस वक्त यूरोप की, यूके में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आती है वो इंडियंस की आती है, इंडियंस की आती है, लेकिन वो लीगल है और उसमें बैंक्स का रोल है। तो ये बैंक शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड कि भाई ये कंपनीज जो है ना ये लीगल हैं। और फिर ये कि जिन्होंने बाहर अपनी ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं पाकिस्तानियों ने, उनके बाहर पहले से कोई रिसोर्सेज थे, जेन्युइन रिसोर्सेज थे, उसमें से फंडिंग है तो उसको आप वो नहीं कर सकते। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए, बड़ी उसको इत्मीनान के साथ इसको देखना चाहिए, स्क्रीन आउट करना चाहिए कि कहाँ गलत है, कौन गलत है, कौन सही है। हाँ, लेकिन जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जिनका बिजनेस से बज़ाहिर कोई क्लेम नहीं है, उनके पास तो ये जाहिर है, आपके पास बहुत बड़ा उस क्वेश्चन है कि इनको पैसा कहाँ से आया। बाकी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, बिजनेस में है, तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि भैया वो कहीं भी कंपनी खोल सकते हैं। अमरला पश्चिम साहब, इट वॉज रियली वंडरफुल हैविंग ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल नाज़रीन, अब तक लिए इतना ही, अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।